सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। हमारे खास यूट्यूब चैनल शत्रु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का वीडियो रहेगा नवाब कासिम, जो कि गाजीपुर के बहुत ही पहले के ज़माने में बहुत चर्चित थे। तो वहां का वीडियो दिखाऊंगा, कैसा किला है, कैसा मकबरा है, जो भी है ए टू जेड वहां का वीडियो दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे देख सकते हैं गाइस, नवाब कासिम का ये घर है, देख सकते हैं पूरा इधर और आगे पूरा दिखा। 17वीं शताब्दी में गाजीपुर के नवाब शेख अब्दुल्ला ने अपने पिता मोहम्मद कासिम के नाम पर एक किला बनवाया था। घर में दाखिला होने के लिए चारों दिशाओं में फाटक बनाए गए थे। चारों फाटकों पर नगर की रक्षा के लिए चारों देवियों का स्थापना की गई थी। यहाँ आज भी चारों फाटक माँ के नाम पर मौजूद है। चार दीवारी के अवशेष आज भी जगह जगह भीटे के रूप में मौजूद है। किले की दक्षिण तरफ अपराधियों को फांसी देने के लिए फांसी घर बनाया गया था। फांसी घर आज भी मौजूद है। बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने पुरखों से सुना था कि किले की दीवारों में हंडों से भरा काफ़ी धन रखा गया है। इस जनश्रुति के कारण ये कई बार उसकी खुदाई का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ खुदाई होते ही अंदर से भौरे का झुंड निकलकर काटना शुरू कर दिया। मुख्य द्वार पर कोट की देवी की चंवर तथा मध्य में साबिर बाबा का मजार है। यहाँ आज भी आस्थावान पहुँचते हैं आपातकाल में बाहर निकलने के लिए। किले के अंदर गाजीपुर और दुर्गा माँ का स्थान तक जाने का भूमिगत सुरंग भी है। अगर रख रखाव के अभाव में यह धरोहर खंडहर हो जाती है। इस पर अतिक्रमण भी लगातार होता जा रहा है। तो एक लोगों से बात करते हैं, इनके बारे में वो बताएंगे। चलिए बात करते हैं और दिखाते हैं ये क्या बोलते हैं, कितने जमाने का है, कब का है। एक शख्स मिल चुके हैं, देख सकते हैं आप हमारे साथ है ये, तो इनसे पूछते हैं और बात करते हैं। तो ये सर भैया, ये कब का बना हुआ है, कुछ बता सकते हैं? ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं 17वीं शताब्दी में बना था। हाँ, और ये बहुत भव्य था। बारिश की वजह से इधर उधर छत बिछत होकर टूट गया चारों तरफ से, और टूटने के बाद बहुत से हम लोग देख रेख करते हैं आते जाते लोगों को, इसके बारे में बताते हैं। इनकी जमीनें जो थी करीब 400 बीघे की थी। 400 बीघे क्षेत्र, मतलब ये लोग अभी लोग ये जो जिनका है वो कहाँ पे हैं इस टाइम? इन लोग बताते हैं, अभी तो मेरी उम्र लमसम उतनी नहीं हुई, जितनी जानकारी उतनी बता सकता हूँ आपको। लोग बताते हैं कि जैसे इनके रिलेटिव जो हैं वो रहते हैं लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं, कभी कभी आते भी हैं, देखने आते ही होंगे, तो देखने आते हैं। और कुछ इसके डिटेल बताइए, और लोग यहाँ कोई आता है जाता है कोई? अभी फिलहाल पूजा पाठ वगैरह सुविधाएं हो गई हैं। अच्छा, एक बगल में हमारे हैं ठेकेदार साहब, उनकी वाइफ पूजा पाठ करती है। अच्छा, और बहुत अच्छे से रख रखाव है, साफ सफाई वगैरह देख सकते हैं आप। ये भैया हमारे साथ ही, इन्होंने बताया है, और अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे, पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर चल के दिखाएंगे, नवाब कासिम साहब का बंगला है और कुछ मकबरा भी है, उधर बंगला है। Thank you.
आ चुके हैं ऊपर, आप पूरा देख सकते हैं, आप पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर से आपको दिखाएंगे कितना किस तरफ ये दिख रहा है पूरा। ये देखिए इधर से ये नीचे देख सकते हैं आप, नीचे पेड़ पौधा है और इधर आप देख सकते हैं। इधर से ये अभी हम इस सीढ़ी से आए हैं जो अभी वीडियो में आपने देखा है। आगे और दिखाते हैं भैया, ऊपर के बारे में बता सकते हैं कुछ थोड़ा सा? और इधर यही मतलब देख लीजिए, पत्थरों पे नक्काशी बहुत ही खूबसूरत की गई है। हाँ। उस समय के अनुसार, और ये बगैर देख रेख के कारण ऐसे टूट फूट के बिखर गया है। मोहल्ले के लोग साफ सफाई जितना अपना शक्ति अनुसार रहता है करवाते हैं। और इधर भी एक मजार है जिसका भूज है, आप आ सकते हैं इधर भी। आ जाइए, आज फिसलन होगा, थोड़ा सा संभल के आइएगा। यहाँ से अभी तो कुछ बारिश और इसकी वजह से हरा भरा दिख रहा है, नहीं तो ऐसे दिखता था। ये भी है बगल में उनके पुत्र, ये क्या है, मोहम्मद कासिम जी जो है। हाँ। इनके पुत्र मोहम्मद गाजी जी के। अच्छा, गाजीपुर इन्हीं के नाम से पड़ा था, आपको बताया हूँ वीडियो में, देख सकते हैं पूरा गाजीपुर शहर का नाम नक्काशी है, पूरा देख सकते हैं पूरा, आपको दिखाया नीचे। बहुत खूबसूरत था, अभी तो कुछ टूट गया है बहुत ही, मतलब आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। पत्थरे देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी पत्थरे हैं, पूरा देख सकते हैं। और इधर बगल में एक छोटी सी, और इधर क्या है, पोखरी ओखरी शायद हुआ करती थी। नहीं, नवाब साहब का पोखरा था 6 बीघे में। हाँ। जिसकी क्षेत्रफल 6 बीघे की थी, जो कि माँ गंगा के सुरंग के कारण, सुरंग से रास्ते उससे होते हुए यहाँ तक पानी आता था, यहाँ तक पानी आता था। बारिश के समय चाहे जैसे गंगा नदी में पानी हो जाता था तो आता था इधर भी पानी आके, और इधर बगल से होते हुए सुरंग से होते हुए पानी आता था, और अच्छा सा फुहारा वगैरह की तरह से अच्छे से पानी आता था, देखने लायक नजारा था आज से 25-30 साल पहले। मतलब अब खत्म काम हो चुका है। और बगल में मकान निर्माण लोग करवा रहे हैं, इस वजह से सुरंग धस गया है, नीचे चला गया है, इसलिए पानी अब नहीं आता है। और वही बगल में इनका अपना खुद का निवास है जो की बहुत भव्य है, यहाँ आप जाके देख सकते हैं बगल में। चलिए आगे दिखाते हैं और बात दिखाते हैं गाइज, आप लोगों को हम पूरा घूम के दिखाते हैं। इधर से थोड़ा खतरनाक एरिया है, देख सकते हैं इधर से अभी ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और ऊपर से पूरा दिखाते हैं, पूरा गोल गोल में है पूरा। इधर देखिए, इसके अंदर जाते हैं और दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, और तो गाइस धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक जगह है, अगर गिर गए पैर फिसला तो हम नीचे गिर सकते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं, काई लगी पड़ी है। तो हम इधर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, उधर देख सकते हैं पूरा, इधर भी देख सकते हैं पूरा, ये गोल गोल में पूरा है, पूरा गोल गोल घूम के दिखाते हैं। अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो देखते रहते हैं, पत्थर तो बहुत हैं लेकिन आगे जाने का रास्ता लग रहा है कि है। मेन द्वार के पास आ चुके हैं, यहाँ से मेन गेट हुआ करता है, देख सकते हैं पूरे ऊपर, देख सकते हैं पूरा घास घास जम चुका है ऊपर। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, हमारे नीचे देख सकते हैं पूरा खाई है, आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम ऊपर हैं, उसके जो गेट था आप सामने देखे होंगे, गेट था उसके बेस पे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जाने योग्य रास्ता है या नहीं है। तो खतरनाक जगह है, चलते हैं, पहुंच जाएंगे लग रहा है। इधर कांटे भी हैं, और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, देख सकते हैं आप कैसे हम पैर रख रहे हैं, देख सकते हैं आप नीचे देखिए खाई है। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बैठ के ही बढ़ते हैं, डर लग रहा है हमें। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़ चुके हैं आगे, इधर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप पूरा कितनी अच्छी जगह है, मतलब ना देख रेख के कारण खराब हो चुका है पूरा पूरा। इसके बारे में हम बताएंगे विधिवत और लोगों से बात करेंगे, देख सकते हैं हम इधर आ चुके हैं आगे, और आगे जा रहे हैं। और यहाँ कीड़ा बिच्छी सब रहती हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रहे कोई भी, अभी कोई नहीं है, अभी तो हम ही हैं केवल। और आगे बढ़ते हैं, आगे आ चुके हैं, इधर देख सकते हैं पूरा पूरा, ये देख सकते हैं मजार, ये मजार ये भी है, इसके अंदर भी दिखाएंगे और नीचे भी दिखाएंगे। हम नीचे जा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं सीढ़ी के नीचे जा रहे हैं ये देख सकते हैं, तो हम नीचे उतर रहे हैं। ये भैया जी थे जो इन्होंने इसके बारे में बताया, और आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है पूरा।
आगे चलते हैं, देख सकते हैं हम सीढ़ियां उतर रहा है, इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, बहुत ही राज वाला चीज़ है, देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताइए इसके अंदर क्या था। चलते हैं और दिखाते हैं, इसके अंदर अभी जा रहे हैं, तो इसके अंदर तो हम जा सकते हैं, आ चुके हैं अंदर, देख सकते हैं पूरा अंधेरा है अभी, पूरा अच्छी कलाकृति की गई है, पूरा देख सकते हैं इधर, और इधर से भी बाहर आ जाएंगे हम, एक ये भी था, देख सकते हैं बाहर का ये दृश्य पूरा, ये देखिए पूरा बाहर का दृश्य देख सकते हैं, ये बाहर का दृश्य पूरा देख सकते हैं, बाहर का इधर किला ये देख रहे हैं कितना अच्छा है, भव्य है, पूरा इतनी अच्छी है, लेकिन देख रेख के कारण बहुत ही बेकार हो चुका है, क्या कहा जा सकता है। और इधर चलते हैं और इधर चलते हैं और दिखाते हैं, इधर ये देख सकते हैं बाहर निकल चुके हैं, इधर से भी रास्ता है, इसके अंदर जा रहे हैं अभी हम फिर से, और फिर नीचे दिखाते हैं, तो हम इधर देख सकते हैं ये टूट चुका है, ये देखिए ये टूट चुका है, देख सकते हैं पूरा, देख सकते हैं पूरा अच्छे से। गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।